गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। छोटा सा क्वेश्चन है। मिस्टर ए कन्वर्ट्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड परचेज्ड इन जुलाई 2003 फॉर रुपीज 80,000 इनटू स्टॉक एंड ट्रेड ऑन 31 मार्च 2020। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 3 लाख। स्टॉक इन ट्रेड वॉज सोल्ड फॉर 3,25,000 इन द मंथ ऑफ जैन। फाइंड आउट टोटल इनकम। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखे हैं। मेरी बात सुनना बेटा, मुझे एक बात बताओ। मिस्टर ए के पास एक लैंड था अपना, और लैंड आपको पता है क्या है, एक कैपिटल असेट। ठीक है, उसने क्या करा, 31 मार्च 2020 को, मतलब 1920 में, उसने अपना ये कैपिटल असेट कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक। और आपने सेक्शन 45 क्लॉज 2 पढ़ा है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का। बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 47 भी कहता था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड विल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब सुनो बेटा, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 45 क्लॉज 2, ये कहता था कि जिस साल में कन्वर्जन हुआ है ना, ट्रांसफर उस साल का माना जाएगा। और कन्वर्जन हुआ था 31 मार्च 2020 को, तो ट्रांसफर माना जाएगा 1920 का। बट कैपिटल गेन अराइज 1920 में नहीं करेगा बेटा। कैपिटल गेन अराइज तब करेगा जब ये स्टॉक मार्केट में बिकेगा, और ये स्टॉक मार्केट में बिका 2021 में। तो बताओ बेटा, कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा, 2021 में, बट ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा, 1920 का। और एक बात याद रखना, 2021 में सिर्फ कैपिटल गेन नहीं आएगा बेटा, स्टॉक के बेचने पे पीजीबीपी भी आएगा। आपको सेक्शन 45 क्लॉज 2 एक बार पढ़ना पड़ेगा बेटा इसके लिए। फिलहाल मेरे साथ जरा आओ, बेटा याद करना, 2021 में एक इनकम नहीं, दो इनकम आएगी। कैपिटल गेन तो आएगा ही आएगा बेटा, पीजीबीपी भी आएगा। चलो पहले कैपिटल गेन निकालते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन बेटा कौन से साल में आएगा, प्रीवियस ईयर 2021 में। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बेटा कुछ याद आता है आपको, सेक्शन 45 क्लॉज 2, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाता था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता था। और फेयर मार्केट वैल्यू है बेटा आपकी, ये देखो 3 लाख, इसको माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। माइनस बेटा इंडेक्सेशन होगा या नहीं, देखो खरीदा था जुलाई में और ट्रांसफर हुआ है 1920 में, तो याद रखना लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन होगा। माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, चलो बताओ कितने का खरीदा था, यह आपने खरीदा था 80,000 का 3-4 में, 80,000 ध्यान से, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और ट्रांसफर 19-20 का है, 19-20 का सीआईआई 289 है, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन 3-4 का 109, बस ये आ गया आपका। तो 80,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 109,
212110 लो, ये आ गया आपका एल टी सी जी, कितना 87,890। कॉपी कर लो बेटे, बेटा 45 क्लॉज 2 की एक रीडिंग मार लेना सब, ठीक है। और बेटा इसी साल में पीजीबीपी भी आएगा, उसकी भी स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट शोइंग पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेटा एक बार बताओगे ये स्टॉक मार्केट में बिका कितने का, सेल वैल्यू 3,25,000 का बिका माइनस कॉस्ट। बेटा याद करो मैंने क्या कहा था 45 क्लॉज 2 जब मैंने पढ़ाया था, मैं कहा था आप ये मत मानो कि हमने अपने बिजनेस में कैपिटल असेट इंट्रोड्यूस किया है, ये मत मानो, आप ये मानो कि हमने कैपिटल असेट बेचा है, बिजनेस को बेचा है। अगर बेचता तो किस पे बेचता, फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचता ना 3,00,000 पे, तो ये 3,00,000 मेरी सेलिंग प्राइस हो गई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और बिजनेस के लिए ये कॉस्ट बन गई, तो बिजनेस के लिए ये 3,00,000 कॉस्ट बन जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। तो बेटा आपका आ जाएगा प्रॉफिट 25,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। सिंपल सा था क्वेश्चन, लो कॉपी कर लो। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूं, क्लियर हो रहा है बेटा? चलो आओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 23 देखो। मिसेस हर्षिता परचेज्ड अ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 35,00,000 इन फाइनेंशियल ईयर 3-4 एंड हेल्ड द सेम एज हर कैपिटल असेट टिल 31 मार्च 20। तो मिसेस हर्षिता ने एक लैंड खरीदा था और वो लैंड उसका कैपिटल असेट था। She started her real estate business on 1st April 20 and converted the said land into stock in trade of her business. तो उसने 1st April 20 को अपना capital asset convert कर दिया stock in trade में। तो कब convert हुआ है? 2021 में convert हुआ है, तो transfer 2021 का माना जाएगा, ठीक है ना, transfer 2021 का माना जाएगा। On the same date, fair market value was 210,00,000. ठीक है? फिर, she constructed 15 flats of equal size, quality and dimension. Cost of construction of each flat is 10,00,000. Construction was completed in Feb 21. She sold 10 flats at 30,00,000 per flat. Remaining 5 flats were held as stock. अब सुनना बेटा, बेटा याद रखना, although conversion 1st April 20 को हुआ है, but capital gain arise उस साल करेगा जब ये stock market में बिकेगा। और बेटा एक बात याद रखना, उस land पे आपने 15 flat बनाए, लेकिन 15 में से 10 बिक गए 2021 में, बेटा 5 नहीं बिके हैं। 15 फ्लैट बनाए आपने उस लैंड पे, 10 बिक गए, तो जो बिक गए उन पे कैपिटल गेन आ जाएगा 2021 में, जो नहीं बिके उन पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा जब तक वो नहीं बिक जाते बेटा। तो याद रखना कैपिटल गेन अराइज कौन से साल में करेगा, 2021 में, लेकिन सिर्फ कितने फ्लैट्स पे, 10 फ्लैट्स पे। चलो करते हैं, ध्यान से देखना है बेटा, कंसेप्ट वही रखना, तरीका देखना है मेरा। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा, 2021 में,
जब फ्लैट्स बिके। चलो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बेटा एक बार बताओ, सेक्शन 45 क्लॉज 2 फिर से आ जाएगा बेटा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। और फेयर मार्केट वैल्यू इस लैंड की थी बेटा ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 210 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू थी 210 लाख। माइनस बताना ये लैंड खरीदा कब था, 3-4 में, और कन्वर्जन हुआ है ट्रांसफर 2021 में, तो लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन होगा। माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, चलो बताओ कितने का खरीदा था, 35 लाख का खरीदा था, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, 2021 का ट्रांसफर है, CII 301 है, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन 3-4 का बताओ क्या है, 109। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 113.35 बेटा। लेकिन एक बात ना याद रखनी है, कौन सी बात, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब आता अगर उस लैंड पे बनाए गए 15 फ्लैट सारे के सारे बिक जाते बेटा, लेकिन फ्लैट तो सिर्फ 10 ही बिके, तो बेटा ये तो पूरे लैंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, और पूरे लैंड पे जितने फ्लैट बिके बने थे सारे तो बिके ही नहीं, तो आपको प्रपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, प्रपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग इन 2021। पहले बताओ बेटा ये 113.35 पूरे लैंड का कैपिटल गेन है, और पूरे लैंड पे 15 फ्लैट बने थे तो ये 15 फ्लैट का है, बिके कितने 10, तो प्रपोर्शनेटली 10 फ्लैट्स का निकाल लो, 75.57 लाख। ये बेटा प्रपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 2021 में अराइज करेगा, बाकी 5 फ्लैट्स का तब करेगा जब वो बिकेंगे। लो बेटा कॉपी करो, याद रखना जब स्टॉक को बेचोगे तो दो चीजें आएंगी बेटा, कैपिटल गेन तो आ गया और क्या आएगा, बिजनेस इनकम भी आएगी बेटा। स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलो सेल वैल्यू बताओ मेरे को, कितने फ्लैट बेचे आपने, 10 फ्लैट बेचे, एक फ्लैट कितने का बिका बताना, 30 लाख का बिका था एक फ्लैट, 30 का, फिगर्स इन लैक्स हैं बेटा, तो 300 लाख हो गई सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। बेटा याद करो कॉस्ट किसको माना जाता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन को कॉस्ट माना जाता है, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 210 थी, लेकिन बेटा याद रखना ये 210 मैं पहले यहां पर ना पूरा लिख देता हूं, ये किसकी कॉस्ट है, लैंड की 210, ये तो पूरे लैंड की है, और पूरे लैंड पे 15 फ्लैट बने थे, हमें प्रपोर्शनेटली 10 फ्लैट्स की निकालनी है बेटा, ऑब्वियस सी बात है ना, सेल वैल्यू जब 10 फ्लैट्स का ले रहे हो तो लैंड की कॉस्ट भी तो 10 की ही लोगे, प्रपोर्शनेटली करोगे ना, तो 210 इंटू 10 डिवाइड बाय 15, 140 लाख ये आ गई लैंड की कॉस्ट। अच्छा फ्लैट बना के बेचे हैं बेटा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो आई होगी, कितने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट,
और बेटा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख। बेटा एक फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख, तो 10 फ्लैट्स की 100 लाख, तो कितना आ गया 60 लाख। बेटा एक काम रह गया मेरा, मैं वो यहां पर अलग से कर देता हूं, इसका आगे कंटिन्यूएशन में ये आगे बिजनेस इनकम। एक काम रह गया बेटा, अच्छा सुनो, आपके कितने प्रपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल अराइज करेंगे 75.57। तो मैं इसके आगे कंटिन्यूएशन में कर रहा हूं, प्रपोर्शनेट एलटीसीजी कितना 75.57 लाख। बेटा इसमें से एग्जेम्पशन भी है, देखना कितने की। आपने 50 लाख इन्वेस्ट करे थे इन बॉन्ड्स इश्यूड बाय एनएचएआई एंड अनदर 50 लाख इन बॉन्ड्स ऑफ आरईसीएल, तो टोटल 100 लाख इन्वेस्ट करे हैं। बेटा सेक्शन 54 ईसी में एग्जेम्पशन मैक्सिमम 50 लाख का ही मिलता है, तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी मैक्सिमम 50 लाख है, उससे ज्यादा तो मिलता ही नहीं आपको। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा आपका 25.57 लाख। ये आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। कॉपी कर लो क्वेश्चन बचे। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, करें लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखना बेटा। मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन बिजनेस, हिज स्टॉक एंड मशीनरी वर डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ फायर एक्सीडेंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड वॉज 6,50,000, ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ द ब्लॉक वॉज 10,80,000, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग मशीनरी एंड इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन मिस्टर ए लॉस्ट हिज गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग विच ही हैड परचेज्ड इन अप्रैल फॉर 1,20,000, द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज टू आइटम्स ऑन द डेट ऑफ फायर वॉज 180. मिस्टर ए रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक का क्लेम मिला आपको 480, मशीनरी का क्लेम मिला 6 लाख, और गोल्ड चेन और डायमंड रिंग का क्लेम आपको मिला 180. यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रीफली कमेंट ऑन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव थ्री आइटम्स अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. बेटा हमने इंश्योरेंस क्लेम पे एक सेक्शन हमने किया था, देखोगे बेटा मेरे साथ सब, सेक्शन 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डैमेज्ड और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। बेटा मेरी बात ना ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन में, सुनो, सबसे पहला असेट आपका जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो है स्टॉक। स्टॉक के डिस्ट्रक्शन पे आपको क्लेम मिला, तो पहली बात तो ये है कि स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14,
तो इंश्योरेंस क्लेम मिलने पे कैपिटल गेन अराइज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो जो क्लेम आपको मिला है ना स्टॉक के अगेंस्ट, वो बेटा टैक्सेबल होगा, बट वो कैपिटल गेन हेड में नहीं हो सकता, बिकॉज स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक भाई, स्टॉक के अगेंस्ट जो आपको क्लेम मिला है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। अच्छा, अब बेटा अगर मैं मशीनरी की बात करूं तो मशीनरी इज अ कैपिटल असेट, मशीनरी इज अ कैपिटल असेट, इनफैक्ट डेप्रिसिएबल असेट है बेटा। तो मशीनरी के डिस्ट्रक्शन पे जो क्लेम आपको मिला है उस पे कैपिटल गेन आएगा। और मेरी एक बात छोटी सी सुनना, पढ़ा हुआ है आप सबने बेटा, पूरे का पूरा ब्लॉक ही खत्म हो गया फायर से, पूरे का पूरा ब्लॉक ही खत्म हो गया। और बेटा व्हेन ऑल असेट्स इन द ब्लॉक आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो उस केस में बेटा कैपिटल गेन आएगा। कैसे निकालोगे अपने आप बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, क्लेम रिसीव्ड 6 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको माना जाता है, सेक्शन 50 याद करो बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक 1080 प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर निल, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा 1080 को, तो 6 लाख का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस 1080,000 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा 4,80,000 का। बात समझ आई बेटा? और आपकी गोल्ड चेन और डायमंड रिंग भी बेटा फायर से डिस्ट्रॉय हुई है, फायर के टाइम पे खो गई। अब सुनो, उसके अगेंस्ट भी आपको क्लेम मिला है 180 का, तो पहले मुझे बताओ गोल्ड चेन और डायमंड रिंग बेटा कैपिटल असेट है या नहीं? पर्सनल आइटम्स हैं बेटा मूवेबल नेचर की, तो पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर आर नॉट रिगार्डेड एज कैपिटल असेट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14, बट इसका एक एक्सेप्शन था ज्वेलरी। ज्वेलरी बेटा ऑल्दो पर्सनल आइटम है मूवेबल नेचर की, बट उसे कैपिटल असेट माना जाता है। तो गोल्ड चेन और डायमंड रिंग कैपिटल असेट है, और इनके खोने पे जो क्लेम आपको मिलेगा उस पे कैपिटल गेन आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मानोगे, क्लेम को, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा अप्रैल 2004 में खरीदी थी 1,20,000 की। बात समझ आई? उसने कहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रीफली कमेंट ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, करना शुरू करें बेटा। वैसे कैपिटल गेन निकालने को नहीं कहा उसने, उसने कमेंट देने को कहा है, तो हम कमेंट भी दे देंगे और कैपिटल गेन निकाल के भी बता देंगे बेटा। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट लॉस ऑफ स्टॉक, पहले स्टॉक का केस करते हैं। सुनो, इसमें लिखना स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14, देयरफॉर क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक विल नॉट बी taxable under the head capital gain, instead insurance claim received on loss of stock will be taxable अंडर द हेड पीजीबीपी। तो बेटा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा।
ये हो गया लॉस ऑफ स्टॉक का। अब लिखो लॉस ऑफ मशीनरी। लॉस ऑफ मशीनरी, चलो इसमें लिखना मशीनरी इज अ कैपिटल असेट, देयरफॉर कैपिटल गेन विल अराइज ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी। ठीक है, फिर कितना कैपिटल गेन आएगा, स्टेटमेंट बना देता हूं मैं इसकी, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। बेटा पूरा ब्लॉक ही खत्म हो गया तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस तो आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, जितने का क्लेम मिला, बेटा क्लेम आपको मिला 6 लाख का, माइनस डेप्रिसिएबल असेट्स के केस में बेटा इंडेक्सेशन नहीं होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन 50 के हिसाब से डेप्रिसिएबल असेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड 10,80,000। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव आ गया 480, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 480 का, ये मशीनरी पे आ गया। ठीक है, और सी पॉइंट, गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग फिर इसमें लिखना दे आर ऑल्दो पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर बट ज्वेलरी इज रिगार्डेड एज अ कैपिटल असेट। एंड देयरफॉर कैपिटल गेन विल अराइज ऑन इट्स ट्रांसफर। अब कितना कैपिटल गेन आएगा, स्टेटमेंट बना लें, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। बेटा वैसे ये कैपिटल गेन निकालने की जरूरत नहीं थी, हम निकाल रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बेटा कितना क्लेम मिला 180, माइनस लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन कर दो, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा ये ज्वेलरी आपने खरीदी थी 1,20,000 की, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 2021 का 301। ये ज्वेलरी 4-5 में खरीदी थी आपने और 4-5 का CII 113 था, 113। थ्री वन नाइन सिक्स फोर सिक्स, तो इस पे भी आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। वन थ्री नाइन सिक्स फोर सिक्स, लो लो बेटा हो गए आपके क्वेश्चंस। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। बेटा वैसे कैपिटल गेन निकालने की जरूरत आपको थी नहीं, तो आप थ्योरेटिकल कमेंट ही लिखना था आपको, तो थ्योरेटिकल लिख देना, दैट्स इट। क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में ना, वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कैपिटल गेन के, उसमें सीआईआई
कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा होता है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, याद आप रख नहीं सकते, तो कैपिटल गेन आप निकाल ही नहीं पाओगे, खास तौर पे थर्ड केस में। फर्स्ट केस में तो आ ही नहीं रहा है कैपिटल गेन, सेकंड केस में इंडेक्सेशन होना नहीं है तो सीआईआई चाहिए नहीं, थर्ड केस में सीआईआई चाहिए दे नहीं रखा, तो थर्ड केस में आप निकाल नहीं पाओगे बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, पक्का? चलो नेक्स्ट क्लास में बेटा एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, टिल देन थैंक यू।